हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आई थिंक कि यू आर फॉलोइंग मी अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देयर आर मेनी अदर कोर्सेस ऑल्सो लाइव जिसमें आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको मैं अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन के लिए एक न्यूज दे दूं कि एक जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रही है 20 जुलाई से। सो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, खुद को सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ताकि आप अपने यूपीएससी के एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजिक मैनर में प्रिपेयर कर पाओ। यहाँ पे बायलिंगुअल कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश सबके लिए अवेलेबल है जिसमें आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलता है। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज के साथ, एनालिसिस के साथ आपको तैयार किया जाता है। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे की तरफ मूव करते हो और आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। तो मीन्स आप समझ सकते हो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हो। आपको फीस की जो है डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी कि 24 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए क्या यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। एनी फर्दर क्यूरी, अगर आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें साइट कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड RANK10, यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक हैंड रिटन नोट्स, पर्सनलाइज मेंटोरशिप एंड बुक्स की PDF। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि 1818 से जो टाइम था 1857 का, उसमें ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से अपनी जद्दोजहद कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि उनको जो है होल इंडिया को अपने कब्जे में ले आना है। तो हमने बहुत सारे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सारी चीजें तो पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने सिंध वाले रीजन को किस तरीके से कैप्चर किया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को मतलब करने के लिए, सिंध को अपने रीजन अपने अधीन करने के लिए क्या इन्होंने किया और किस तरीके से किया। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, एक शॉर्ट से समरी अगर मैं आपको दूं कि क्यों सिंध को अपने अधीन किया गया था, तो ये जो है अनेक्सेशन जो सिंध का हुआ था, ये ब्रिटिशर्स द्वारा इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक कमर्शियल और एक पर्सनल दोनों व्यू लेके चल रहे थे। कमर्शियल एडवांटेज इनका किससे मिल रहा था, रिवर जो इंडस है वहां पे उसके कारण मिल रहा था, जो सिंध वाला जो रिवर है उससे इनको मिल सकता था, क्योंकि ये जो रिवर है ये इनको सी रूट प्रदान कर सकता था पंजाब तक के लिए, और अदर पार्ट्स जो है नॉर्थ वेस्ट का वहां पे भी इनको ट्रेड और कॉमर्स में ये हेल्प कर सकता था। एक तो ये चीज थी, और इसके द्वारा इस रास्ते का यूज करके, इस सी रूट को ये यूज करके ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया वाले रीजन में भी एंटर कर सकते थे, राइट। दूसरी बात ये थी कि ये जो हुआ था, ये जो सिंध का कॉन्कर्ड हुआ था, इसका इमीडिएट रीजन आप ये कह सकते हो कि एंग्लो रशियन राइवलरी चल रही थी, ब्रिटिशर्स और रशिया के बीच में जो है वो राइवलरी चल रही थी यूरोप में और एशिया में। तो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये डर सताया कि कहीं यूरोप के साथ साथ ये जो रशियन है वो इंडिया पे भी अटैक ना कर दें। किस रास्ते का यूज करके, अफगानिस्तान और पर्सिया वाले रास्ते का यूज करके कहीं ये इंडिया पे भी अटैक ना कर दें, इसीलिए इन्होंने अपना पूरा जो इन्फ्लुएंस है वो लगा दिया अफगानिस्तान और पर्सिया वाले रीजन पे। और उसके बाद इन्होंने ये जो है अपनी पॉलिसी का यूज करके पूरी तरीके से जो सिंध को है अपने कंट्रोल में कर लिया था। किस तरीके से ये कॉन्कर किया गया था, क्योंकि ये जो सिंध जो है ये ओपन करता था ब्रिटिशर्स को एक ट्रेड रूट, ये हुआ था ट्रीटी जो साइन की गई थी 1832 में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये 1832 वाली ट्रीटी साइन की गई और उसमें क्या क्या जो है एडवांटेजेस मिले ब्रिटिशर्स को। तो ये साइन हुआ था आपका आमेर, जो सिंध के थे, जो चीफ होते थे सिंध रीजन के उनको आमेर कहा जाता था, और ये ब्रिटिशर्स इन दोनों के बीच में हुआ था। जब ये सिंध के जो चीफ थे जिन्हें आमेर कहा जाता था, वो उनके साथ उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी भी साइन करी 1839 में, तब जाके जो ये ट्रीटी वर्चुअली साइन होने के बाद ही ये जो पूरा का पूरा सिंध रीजन है ये अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। तो 1832 की ट्रीटी और 1839 की जो सब्सिडरी ट्रीटी थी, इन दोनों के चलते ही ये पूरा का पूरा सिंध रीजन जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आया था। अब हम देखते हैं ये राइज ऑफ तालपुरा जो आमेर है ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे जद्दोजहद करनी शुरू कर दी थी। तो 18th सेंचुरी में क्या था, सिंध जो है वो किसके द्वारा रूल्ड होता था, बालूची चीफ्स के द्वारा यहाँ पे ये रूल्ड आउट होता था, जिन्हें कलेक्टिवली अगर एक साथ आप मिला के कहो तो उन्हें आमिर ऑफ सिंध कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन सिंध वाले रीजन में बनाना चाहती थी। जैसा कि मैंने कहा, उनको रशिया से डर था कि कहीं वो अटैक ना कर दे, और उसके बाद वो वहां पे अपनी फैक्ट्री भी सेटअप करना चाहते थे। सो यहाँ पे क्या हुआ कि 1809 में जब लॉर्ड मिंटो यहाँ पे आए तो उन्होंने एक एम्बेसी को सेंड किया, इन आमिर्स के पास इन्होंने एम्बेसी को भेजा, और उसके बाद इन्होंने एक जो ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप है वो साइन करी थी। सो इसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप है साइन होने के बाद ही यहाँ पे आप कह सकते हो कि अंग्रेजों से इन आमिर्स की जो है वो मित्रता वो बढ़ती गई थी। तो ये जैसा कि आपने ये समझ में आ गया कि 1783 में तालपुरा जो है, जो इनकी लीडरशिप कर रहे थे मीर फतेह अली खान, उन्होंने पूरे के पूरे सिंध रीजन को कंट्रोल कर लिया था। क्योंकि ये जो बालच ट्राइब है जिन्हें तालपुराज कहा जाता है, वो हिली रीजन को छोड़ के ये सिंध का जो प्लेन रीजन है वहां पे सेटल आउट हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कालोरा चीफ प्रिंस जो पहले यहाँ पे रूल आउट कर रहे थे उनको भेज दिया बाहर की तरफ, एग्जाइल पे उनको भेज दिया। उन्होंने अमरकोट रीजन को भी कॉन्कर कर दिया था राजा ऑफ जोधपुर से, कराची रीजन भी उनके अंदर में था, और अफगान और ये बुक्कर रीजन भी जो है इनका, अफगान रीजन का, ये भी इनके कंट्रोल में था। अब ग्रेजुअल एसेंडेंसी जो है सिंध रीजन की होनी शुरू होती है, मतलब सिंध रीजन का जो है वो विघटन होना शुरू होता है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप किस तरीके से साइन की गई थी, जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड मिंटो जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एम्बेसी जो है आमिर्स के पास भेजी, क्योंकि उनको ये था कि जब तक ये आमिर हमारे कब्जे में नहीं होंगे, हमारे पपेट रूलर बन के नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे जो है इनको अधीन अपने नहीं कर सकते हैं, इनको अपनी फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पे बढ़ानी थी, और इसीलिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप को जो है वो किया था। ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे इनको ये मौका मिल गया कि अपनी फ्रेंडशिप को ये इस तरीके से बढ़ा लें कि इनको फिर आमिर से कोई भी खतरा ना रह जाए। तो यहाँ पे ये जो विनिंग वाली स्टोरी होती है सिंध रीजन को, ये किसके साथ शुरू होती है, ये डिस्पैच होते हैं जब चार्ल्स जेम्स नैपियर सिंध में, तब जाके ये चीज जो है वो शुरू होती है। तो यहाँ पे मैटकर्फे को भेजा गया था लाहौर में, एल्पेंस्टन को इन्होंने काबुल में भेजा था, और मार्कम को इन्होंने तेहरान में भेजा था। किसने, लॉर्ड मिंटो ने, जो कि यहाँ पे उस समय रूल आउट कर रहे थे। सो यहाँ पे नेगोशिएशन इन्होंने आमिर के साथ किया, और उसके बाद फर्स्ट एवर ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, ये अंग्रेजों के साथ इन्होंने साइन करी। उसके बाद ये साइन होने के बाद जो है यहाँ पे आफ्टर पोजेसिंग दिस इटर्नल फ्रेंडशिप, दोनों साइड्स जो है अपने आप को इस बात के लिए रेडी करते हैं कि हम जो फ्रेंच हैं उनको सिंध रीजन से अलग रखेंगे, और जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे की जो है वो हेल्प करेंगे। सो इस तरीके से इस ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप के द्वारा बहुत ही चालाकी से अंग्रेजों ने आमिर्स को इस बात के लिए फोर्स कर दिया कि वो फ्रेंच को अपने सिंध वाले पोर्ट पे आने से रोकने लग गए, और उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनको इस ट्रीटी को बाद में चल के रिन्यू भी किया, 1820 में इसको रिन्यू भी कर लिया, और ये आमिर्स उसके लिए मान भी गए। और उसके बाद फ्रेंच के साथ साथ इन आमिर्स ने क्या किया, एक फूलिश चीज ये भी करी कि अमेरिकन्स को भी सिंध वाले पोर्ट पे आने से ये रोकने लग गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब आप ब्रिटिशर्स को देखो कि बैठे बैठे उनका जो है, दो जो उनके रिवैलरीज थे, एक तो आपके फ्रेंच और दूसरे अमेरिकन्स, अपने आप ही ये आमिर्स ने हटा दिए। अब यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ 1832। तो 1832 की जो ट्रीटी थी वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ये किस की यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे फॉलो, जो इस ट्रीटी के द्वारा प्रोविजंस लाए गए थे उसको हम डिस्कस करते हैं एक बार। 1832 में विलियम बेंटिंक ने सेंट कॉलोनल को यहाँ पे भेजा सिंध रीजन पे इन आमिर्स के साथ एक ट्रीटी को साइन करने के लिए, क्योंकि अब ये इनके अच्छे दोस्त हो चुके थे। इसमें इन्होंने ये सारी चीजें, ये प्रोविजंस रखे कि सिंध वाले रीजन्स के लिए अंग्रेजों को फ्री पैसेज मिलेगा,
ट्रेड के लिए या कॉमर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए ट्रैवलर्स के लिए इनको जो है फ्री पैसेज मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मर्चेंट्स जो है वो सेटल डाउन भी हो सकते हैं सिंध वाले रीजन में, कोई भी उनको पासपोर्ट या फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अगर अंग्रेज ट्रैवलर है, ब्रिटिशर्स है, तो उसको यहाँ पे कोई भी पासपोर्ट या ये सब चीजों की सिंध रीजन में बसने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। टैरिफ रेट जो है उनकी ऑल्टर की जाएगी आमिर्स के द्वारा, अगर ये पता चला कि ये बहुत ज्यादा हाई है तो। और कोई भी मिलिट्री ड्यूज या टॉल्स जो है वो इनके द्वारा डिमांड नहीं की जाएगी इन आमिर्स के द्वारा ब्रिटिशर्स से। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें मतलब इसमें प्रोविजंस रखे कि इस ट्रीटी में ये सारी चीजें हम करेंगे। दो और चीजें इन्होंने शामिल जो करी कि जो आमिर है वो किसके साथ वर्क करेंगे, वो राजा ऑफ जोधपुर के साथ वर्क करेंगे। और उसके बाद जो ओल्ड ट्रीटी थी वो कंफर्म की गई कि ये जो है पार्टीज, ये ब्रिटिशर्स और आमिर्स एक दूसरे से कभी भी जेलसी नहीं रखेंगे, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन के रहेंगे और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद भी करेंगे। अब एक और चीज होती है, वो है ट्राइपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1836। तो 1838 सॉरी सो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838 क्या था, ये आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो एक गेम जो यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट खेल रही थी, जिसमें वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से काबुल वाले रीजन में ये एक पपेट गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉय कर दे, इम्पोज कर दे। ब्रिटिशर्स हमेशा जानते थे, हमेशा से ये चाहते थे कि जो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद थे वो अपने सारे कॉन्टेक्ट ये ईरानियंस और रशियंस के साथ जो है वो खत्म कर दें, क्योंकि वो उनके राइवलरीज थे। यहाँ पे ये जो पपेट यहाँ पे जो साबित हुए इनके लिए वो थे शाह शुजा। तो ये जो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी है वो इन्हीं तीनों के बीच में साइन की गई थी। रंजीत सिंह शामिल थे इसमें, शाह शुजा शामिल थे इसमें और लॉर्ड ऑकलैंड इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया कि शाह शुजा को इन्होंने पपेट रूलर, एज अ पपेट रूलर इन्होंने एम्प्लॉय किया। और 1838 में शाह शुजा ने जो है सपोर्ट हासिल किया ब्रिटिशर्स का और महाराजा रंजीत सिंह का, ताकि वो दोस्त जो मोहम्मद खान थे उसको वहां से पावर से हटा सके। और इसीलिए उन्हीं को हटाने के लिए, मोहम्मद खान को हटाने के लिए शाह शुजा ने इन दोनों के साथ मिलकर ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो है वो साइन करी थी 1838 में। तो यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन ये दोनों जो है वो रखना चाहते थे। ये ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो है 1838 में रंजीत सिंह, शाह शुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा साइन की गई थी। और उसके बाद इसके द्वारा बेसिकली इन्होंने ये चीज करी कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे जब भी हमें जरूरत होगी। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी रखे गए कि जो शाह शुजा है वो मतलब वो राजगद्दी पे बैठेंगे, सिख आर्मी जो है वो आर्मी प्रोवाइड करेगी शाह शुजा को, और उसके बाद शाह शुजा जो है वो डिटरमाइन करेंगे फॉरेन पॉलिसी जो कि ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स के एडवाइस पे होगी। और दूसरी चीज की शाह शुजा जो है सिंध वाले अपने रीजन को जो क्लेम करते हैं उस पर वो गिव अप कर देंगे, फिर सिंध वाले रीजन की तरफ वो बात नहीं करेंगे। और ब्रिटिशर्स जो है हमेशा बैकग्राउंड में रहेंगे, अगर उनके ऊपर कुछ भी सिंध वाले रीजन पे कुछ भी कुछ आपत्ति या कुछ भी आता है तो वो उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार करेंगे। लेकिन होता क्या है ना, ये तो इन्होंने फ्रेंडशिप के लिए साइन तो करी ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, लेकिन एक हॉचपॉच हो जाता है शाह शुजा ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, और यही ट्रिगर करता है आपके फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के लिए, जिसके कि बहुत ही तरीके के आउटकम्स होते हैं इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लिंक कर सकते हो कि ये जो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी इन्होंने रंजीत सिंह ने, शाह शुजा ने और लॉर्ड ऑकलैंड ने करी थी, इसी के हौच पौच में जो है चीजें बिगड़ती गई और इसी ने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को जो है वो ट्रिगर किया था। ओके सो ओके अब है कि सिंध रीजन को इन्होंने कैसे जो है वो कॉन्कर किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे कैपिटुलेशन है सिंध रीजन का वो किसके द्वारा हो गया था, फर्स्ट एंग्लो
अफगान वॉर के द्वारा हो गया था, जो कि 1839 और 42 में जो सिंध वाले रीजन पे है जो होना शुरू हो गया था। और ये किसके कारण हुआ था, ये जो हॉच पॉच इन तीनों के बीच में हुआ था उसके कारण ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। पूरा का पूरा जो सिंध रीजन है वो कैपिटुलेट कर दिया गया बहुत ही शॉर्ट टाइम में। और उसके बाद 1843 में जो गवर्नर जनरल थे एलन बोरा, उन्होंने सिंध को मर्ज कर दिया ब्रिटिश एम्पायर में। और उसके बाद जो यहाँ के फर्स्ट एवर गवर्नर अपॉइंट किए गए थे वो थे चार्ल्स नेपियर। बहुत ही शातिर इनको कहा जाता है कि चार्ल्स नेपियर के बाद जो है इन्होंने अब पूरे सिंध रीजन को किस तरीके से जो अपने अंडर में लाया था। तो उसके बाद इन्होंने एक टेलीग्राम मैसेज भी भेजा था कि अब सिंध मेरे कब्जे में है। ये चीजें यहीं से शुरू ही होती हैं। जब ये विनिंग सिंध को विन करने वाली स्टोरी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट ही हुई थी जब यहाँ पे चार्ल्स नेपियर को जो है वो डिस्पैच किया गया था। एक 60-year-old ब्रिटिश यहाँ पे ये रूलर थे जिनको अपॉइंट किया गया था एज अ मेजर जनरल, ताकि वो आर्मी के कमांड को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है वो संभाल सकें। और लॉर्ड ऑकलैंड जो है उस समय तक उनको वापस बुला लिया गया था। और जो यहाँ पे दूसरे जो एलन बोरक थे उनको भी मिलिट्री पॉम्प जो है यहाँ पे मिलिट्री से हटा दिया गया था। और इसी के बाद जो है एक आपको तो पता है कि सिंध रीजन काफी ज्यादा वहां पे लूजली गवर्न्ड होने लग गया था। और उसके बाद सिख से भी इनका जो है बहुत ज्यादा टारगेट ये हो रहे थे। बैटल ऑफ मियानी हुआ, बैटल ऑफ डोगो हुआ, जिसके बाद जो है बहुत सारे ब्रिटिश ट्रूप जो है यहाँ पे भेजे गए बालोचिस वाले रीजन में 1843 में। और ये भी किसके अंडर में भेजे गए थे, चार्ल्स नेपियर के अंडर में भेजे गए थे। और फाइनली तब जाके पूरा का पूरा सिंध रीजन जो है 1843 में इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। और चार्ल्स नेपियर को यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट एवर गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब यहाँ पे बात आती है कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब की। सो कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब के लिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, मतलब यहाँ पे पंजाब रीजन को अब इन्होंने कैसे अपने कब्जे में लिया था उसको हम जानते हैं। तो इसकी अगर एक शॉर्ट समरी हम करना चाहें कि ये कैसे हुआ था, तो आपको पता है ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838 में हो चुका था, जिसके बाद जिसने हॉचपॉच के कारण इसने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को जन्म दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839 में, जब रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, तो उसके बाद पंजाब में जो है एक अनार्की वाली स्थिति, वो स्टेट जो है वो उभर जाती है। यहाँ पे पंजाब को पूरी तरीके से कॉन्क्वेस्ट करने के लिए 1849 तक का टाइम लग गया था ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने अपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए पंजाब रीजन को कंट्रोल में करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने दो वॉर लड़े। पहला तो था आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 और 46 में लड़ा इन्होंने, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सिख ट्रूप को यहाँ पे डिफीट किया। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर इन्होंने साइन किया। और उसके बाद इन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1848 में लड़ा, और जिसके बाद कंप्लीटली ये जो पंजाब वाला रीजन है वो यहाँ पे इनके अधीन आ गया था। ठीक है, तो ये पंजाब रीजन का जो पूरा स्टोरी है कि किस तरीके से इसको कंसोलिडेट किया गया था। तो 1715 में बांदा बहादुर जो है वो डिफीट हुए थे किसके द्वारा, फर्रुख सियार के द्वारा। और उसके बाद उनकी डेथ हुई थी 1716 में। सिख पॉलिटी जो है एक लीडरलेस हो गई थी इसी के बाद, जब इनकी डेथ हुई थी बांदा बहादुर की, तब इसके बाद सिखों के लिए कोई एक अच्छा लीडर नहीं रह गया था। और उसके बाद इनका ग्रुपिज्म होना शुरू हो गया था। दो ग्रुप इनमें इनके मेनली डिवाइड हुए थे, एक बांदाई थे जो लिबरल थे और एक खालसा थे जो कि ऑर्थोडॉक्स थे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं इन्हीं दोनों ग्रुपिज्म के चलते उभर के आई थी, जिसमें से कि 1784 में इन्होंने जो दल खालसा दल था उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि मतलब उनके ऑब्जेक्टिव जो थे कि किस तरीके से सिखिज्म को फॉलो करना है, पॉलिटिकल कल्चरल या इकोनॉमिक क्या क्या हमारे व्यूज रहेंगे, ये सब चक्कर में इन्होंने अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पूरा का पूरा खालसा दल जो है वो दो सेक्शन में बनाया गया। एक जो है बूढ़ा दल, जो कि पुराने जो लोग थे वेटरन्स थे उनके अंडर रखा गया, और एक था तरुण दल जो कि यंग लोग जो है अपनी आर्मी में शामिल करके उन्होंने बनाए। मिसल्स जो है यहाँ पे सिखों का एक कंसोलिडेशन जो होता है उन्हें हम जो मिसल कहते हैं, जो मिलिट्री ब्रदरहुड होती है उनकी, उसे कहा जाता है। मिसल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल और अलाइक, और एक अदर मीनिंग भी मिसल का होता है जिसका मतलब होता है आपका स्टेट। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी है। सो
यहाँ पे रंजीत सिंह के भी बारे में जानिए थोड़ा सा, क्योंकि एक बार जैसे पिछले आपका 2019 में अगर आपको पता हो तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे पंजाब के, उनसे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने को था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो मिडिल 18th सेंचुरी था, जिसमें मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आता है, उसमें महाराजा रंजीत सिंह भी शामिल होते हैं। तो उनकी जो है कि स्टैचू जो यहाँ पे पंजाब में बनाई गई थी, तो जो कि उन्होंने पंजाब में काफी डेकेड्स में रूल किया था, 1801 से 1839 तक उन्होंने रूल किया था, तो उन्हीं के चलते पंजाब में जो है इनकी एक स्टैचू वो बनाई गई थी, जो कि रिसेंटली 2019 में ही इनॉग्रेट हुई थी लाहौर में। तो उसके कारण ये करंट अफेयर्स में भी थे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या था उनके बारे में आप बताओ, या उनकी जो भूमिका थी आप उसको मतलब कमेंट करो उस पे। तो इस तरीके की चीजें आपको वहां पे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी सबसे अच्छी एक एस्टैब्लिशमेंट ये थी कि उन्होंने यूनिफाई किया था सिख एम्पायर को। जब उन्होंने लाहौर को 1799 में कॉन्कर किया था, तब उन्होंने इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूनिफाई किया था। उसके बाद इनको जो है टाइटल दिया गया था लायन ऑफ पंजाब का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लायन ऑफ पंजाब है वो रंजीत सिंह को ही कहा जाता है। और भी बहुत से ये सारी चीजें हैं इनके बारे में जानने के लिए। उन्होंने बहुत सारे जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी थी, और उसके बाद उन्होंने जो उनके जो जनरल थे हरी सिंह जिनका नाम था, उन्होंने एक खाइबर पास पे एक बहुत ज्यादा अच्छा फोर्ट भी बनाया था। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को जब अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट दी थी, स्पेशली जो फ्रेंच थे, फ्रेंच को ज्यादा इन्होंने अपने ट्रूप्स में शामिल किया था, और एक फ्रेंच जनरल को इन्होंने अपनी आर्मी में अपॉइंट भी किया था। उसके बाद ये जो रंजीत सिंह थे उनका ट्रांस रीजनल एम्पायर जो था वो बहुत सारे स्टेट्स में भी फैला हुआ था। तो उनके रिजीम में क्या था, पंजाब वॉज अ लैंड ऑफ सिक्स रिवर, द सिक्स बींग द इंडस। ठीक है, तो जो छठा रिवर था वो था आपका इंडस। तो इनके टाइम में पंजाब को क्या कहा जाता था, लैंड ऑफ द रिवर कहा जाता था। और उसके बाद इनका एक जो रूल था वो बहुत ही ज्यादा सेक्युलर था, और इनका ये भी कहा जाता है कि जो इन्होंने हरमिंदर साहिब जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो है उसको गोल्ड में जो इनकी कवरिंग हुई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी भी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में, किसके साथ, ब्रिटिश कंपनी के साथ साइन करी थी इन्होंने। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने किसके साथ जो है वो साइन करी थी, तो इस तरीके की चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जैसा कि मैंने कहा ये कब हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है एक सिग्निफिकेंट इमीडिएट एज वेल एज पोटेंशियल इफेक्ट था ये जो ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। सो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह इन 1809। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये लॉर्ड मिंटो थे। स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक रीजंस के चलते लॉर्ड मिंटो ने ये ट्रीटी जो है कंक्लूड करी थी रंजीत सिंह के साथ अमृतसर में 1809 में। तो यहाँ पे मैटकल्फे जो थे वो थे यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे सिखों का जो एक एडवांस चीज थी उसको ये कर्ब करना चाहते थे, लेकिन ये ट्रीटी के बाद उन्होंने एक जो बाउंड्री है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बाद जो सतलज वाला जो रीजन था वो एक एज अ बाउंड्री फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से और रंजीत सिंह और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने एक दूसरे से जो है इनकी फ्रेंडशिप बढ़ गई थी। तो जून 1838 में रंजीत सिंह वॉज कंपेल्ड बाय पॉलिटिकल कंपल्सन टू साइन द ट्राइपार्टाइट ट्रीटी विद द इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों के बीच में हुआ था, शाह शुजा, रंजीत सिंह और उस समय जो वहां पे लॉर्ड ऑकलैंड थे उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी उसी का नतीजा था, ये भी मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था वो 1845-46 में हुआ था। तो बैकग्राउंड आपको पता चल गया कि ट्राइपार्टाइट ट्रीटी इन्होंने साइन कर रखी थी 1838 में। उसके बाद जो सतलज वाला जो रीजन है उसको उसके बियॉन्ड इनका सिखों का जो है इनका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस रोकने के लिए इन्होंने सतलज को एज अ बाउंड्री फिक्स कर दिया था, और उसके बाद जाके ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा इन्होंने किया था ताकि ये
रंजीत सिंह से जो है इनकी मित्रता वो बरकरार रहे। तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के जो रीजंस थे वो ये थे कि जो लाहौर किंगडम है वहां पे महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद एक पावर स्ट्रगल, एक डोमिनेशन को लेके बहुत ज्यादा हसल शुरू हो गया था, एनार्की वाली स्थिति आ गई थी, और इस एनार्की की स्थिति ने भी इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को जो है वो जन्म दिया था। तो यहाँ पे एक सस्पिशियस जो थे सिख आर्मी, कि उनको ये सस्पिशन था सिख आर्मी के बीच में, क्योंकि ये जो इंग्लिश मिलिट्री कैंप थे वो काफी ज्यादा रीजंस को जो है वो अपने अधीन कर रहे थे। तो सिखों को ये लग रहा था कि कहीं ये ग्वालियर और सिंध ये सब रीजन के साथ साथ सिंधों को भी, सिंध वाले रीजन को भी अपने अंडर न कर ले। उसके बाद अंग्रेज के जो सैनिक थे वो काफी ज्यादा नंबर्स में बढ़ते जा रहे थे। तो इस तरीके से ये जो है हॉचपॉच एक तो बीच में हो ही रहा था, शाह सुजा और लॉर्ड ऑकलैंड और रंजीत सिंह के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही थी। तो इसी के कारण ये फर्स्ट एंग्लो जो सिख वॉर है वो होता है, और ये खत्म किस पे होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर पे 1846 में इन्होंने साइन करा था इसे। दिस एंडेड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसमें सिखों को एक बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी को साइन करना पड़ा था मार्च 8, 1846 को। सो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ही फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो एंड हुआ था। अब है मेन फीचर्स क्या क्या थे ट्रीटी ऑफ लाहौर के। तो यहाँ पे अंग्रेजों को बॉर्ग में जो यहाँ पे इनकी हानि हुई थी, क्षति हुई थी, उसके लिए 1 करोड़ रुपए इनको सिखों को देने पड़े। जलंधर दोआब जो है वो कंपनी के अंडर में आ गया। ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो लाहौर में एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद सिखों की जो आर्मी थी उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया गया। दलीप सिंह को जो है रिकोगनाइज किया गया एज अ रूलर अंडर रानी जिंदान एंड एज अ रीजेंट एंड लाल सिंह एज अ वजीर। तो ये सारे जो है मेन फीचर्स थे जो कि ट्रीटी ऑफ लाहौर में किए गए थे। अब है ट्रीटी ऑफ वैडोवाल क्यों होता है। तो सिख वेयर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो क्योंकि ये काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी इनके लिए, तो ये इससे खुश नहीं थे। और उसके बाद एक इशू भी चल रहा था कश्मीर वाले रीजन को लेके, तो इन्होंने रिबेलियस हो गए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। 1846 में ट्रीटी ऑफ वैडोवाल साइन किया गया, जिसके द्वारा ये कहा गया इसके ट्रीटी के आधार पे कि रानी जिंदान जो है उनको रीजेंसी से हटाया जाएगा और एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी जो है वो पंजाब में सेटअप की जाएगी। काउंसिल में इन्होंने 8 सिख सरदार को रखे, जो कि किसके द्वारा प्रेसाइडेड होंगे, अंग्रेजी के द्वारा प्रेसाइडेड होंगे, अंग्रेजी रेसिडेंट द्वारा प्रेसाइडेड होंगे, जिसकी प्रमुखता कौन करेंगे, हेनरी लॉरेंस। तो मतलब ये ट्रीटी इन्होंने इसलिए साइन करी थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि इस रीजन में जो सिखों की प्रमुखता है उसको हटा के ये एक इनको पपेट रूलर की तरह बिठा सके, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने जो मेन रीजन थे रानी जिंदान उनको हटा दिया और उसके बाद यहाँ पे एक रीजेंसी तो इन्होंने सेटअप करी, उसके सारे के सारे जो प्रेसिडिशन है, सारी की सारी जो चीजें हो रही थी वो किसके द्वारा हो रही थी, अंग्रेजों के द्वारा हो रही थी, राइट। अब होता है आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो एक ह्यूमिलिएशन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों से सिखों को ऑलरेडी मिल चुका था, बहुत सारी टेरिटरी वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को गवा चुके थे, महारानी जिंदान कौर को उन्होंने हटा दिया था, वो प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं हो रही थी, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी के द्वारा उनको हटा के और फिर एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी उन्होंने लाहौर में सेटअप कर ली थी, और उसके बाद मुल्तान वाला जो रीजन था वहां पे भी उन्होंने काफी ज्यादा जो है इधर उधर कर दी थी चीजें। और फिर 1848 में जो है वैंस एंग्रू जो एक दूसरे ऑफिसर्स थे वो जब मुल्तान आए तो उन्होंने अपना यहाँ पे चार्ज संभाला, अपना मोर्चा संभाला, और वो जो है मर्डर किए जा कर दिए गए, किसके द्वारा, मुलराज के ट्रूप्स के द्वारा। ये जो न्यूज है इसने काफी ज्यादा पंजाब में अनरेस्ट वाली स्थिति लाई और बहुत सारे जो सिख सोल्जर्स थे उन्होंने अपने आप को ज्वाइन किया और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो रिबेल कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो शेर सिंह वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट बट ही हिमसेल्फ ज्वाइन मुलराज, मतलब शेर सिंह को इन्होंने अंग्रेजों ने भेजा कि आप इस विद्रोह को रोको, लेकिन उन्होंने खुद भी इसको ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो ये नहीं सह सकते थे कि जो इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका जो मर्डर हुआ था, ये चीज इनको भी काफी ज्यादा पैनिक कर गई थी। तो 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स वेयर फॉट
फाइनली जब पंजाब को एक्सेस कर लिया इन्होंने अंग्रेजों ने, उसके पहले तीन बैटल इन्होंने लड़े थे। तो बैटल जो है एक रामनगर एंड चिल्लानवाला में लड़ा गया था। बैटल रामनगर जो है वो काफी ज्यादा इंडिसिसिव था, जहां पे सिख जो है वहां पे उनकी विक्ट्री भी हुई थी। उसके बाद बैटल एक और हुआ था, बैटल ऑफ गुजरात 1849 में। सिख आर्मी ने यहाँ पे अपना रावलपिंडी वाला जो एरिया है वो सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद जो अफगान अलाइज थे उनके वो इंडिया से बाहर भेज दिए गए थे। रिजल्ट क्या था एट द एंड ऑफ द वॉर, क्या हुआ इस सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद? जो सिख आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया, शेर सिंह ने सरेंडर कर दिया 1849 में। पंजाब को फाइनली एनेक्स कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे एक 3 मेंबर बोर्ड जो है सेटअप किया गया पंजाब को गवर्न करने के लिए, जिसमें लॉरेंस ब्रदर्स शामिल थे, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस शामिल थे, और उसके बाद चार्ल्स मैंसेल भी यहाँ पे शामिल थे 3 मेंबर बोर्ड में। 1853 में ये जो बोर्ड है ये भी हटा दिया गया, और उसके बाद कंप्लीटली जो पंजाब है वो किसके अंदर आ गया? चीफ कमिश्नर के अंदर में, जिसे किसे बनाया गया था? जॉन लॉरेंस को। तो याद रखना है कि जॉन लॉरेंस को पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था पंजाब रीजन की रूलिंग के लिए। ठीक है, अब यहां पे होता है कि एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो दो मेथड थे इनके, अंग्रेज जो अपने आप को बढ़ाते जा रहे थे, जो बहुत सारे रीजन अपने अधीन करते जा रहे थे, उसमें से दो चीजें मेन थी। एक तो था कि वॉर के द्वारा वो अपने उसको अपने अंडर ले ले, और दूसरा था कि डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के द्वारा। तो जो डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म थे उसमें 4-5 थे इनके, लेकिन सबसे ज्यादा एक जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे वो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। सो वैरन हास्टिंग ने इसको फॉलो अप किया एक पॉलिसी को, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जिसके द्वारा इन्होंने जो एक बफर जोन जो है वो क्रिएट कर दिया था, ताकि ये कंपनी के फ्रंटायर को डिफेंड कर सके। मतलब कि बफर जोन क्रिएट करना मतलब उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा बफर जोन क्या होता है। बफर जोन में कोई भी बाहर की चीजें जो है वो एंटर नहीं कर सकती है। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी के आसपास बफर जोन बना दिया, ताकि सिख इन पे जो है वो नजर ना रख सके, इन पे कोई अटैक ना कर सके। तो ये पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी? ये वैरन हास्टिंग के द्वारा लाई गई थी, जो कि ये रिफ्लेक्ट करती थी कि ये मराठास और मैसूर से वॉर किस तरीके से लड़ रहे थे। ओके? अब यहां पे जो है रिंग फेंस सिस्टम के द्वारा, ये जो घेरे की नीति है इसके द्वारा इन्होंने बहुत सारे जो एरियाज थे, टेरिटरीज थे इनके, उसको पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया था, डिफेंड कर लिया था। और उसके बाद इनके जो मिलिट्री असिस्टेंस थी वो भी इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल करी थी, अपने ही एक्सपेंस से, लेकिन इन्होंने अपनी इस्तेमाल इसे करी थी। उसके बाद वेलेस्ली की पॉलिसी आती है सब्सिडरी अलायंस की। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एक डिफरेंस जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पॉलिसी थी वैरन हास्टिंग की, ये मराठास और मैसूर के अगेंस्ट जो वॉर हो रहा था उसके लिए इन्होंने बफर जोन जो है क्रिएट किया था, ताकि वो कंपनी के फ्रंटायर को डिफेंड कर सके। ये थी आपकी घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी ये थी, जिसमें जो मेन थ्रेट था इनका मराठा से या अफगान इन्वेडर से, उससे सिक्योर करने के लिए इन्होंने करी थी। लेकिन ये जो वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी ना, इसको एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस आप कह सकते हो। ये डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीजें नहीं थी। पहले आप बफर जोन क्रिएट करते हो, अपने आप को सिक्योर करते हो, और उसके बाद जो बफर जोन में आपके एरियाज आ रहे हैं ना, उसको भी आप अपने कंट्रोल में कर लेते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के द्वारा। ये था इसका एक्सटेंशन, रिंग फेंस का एक्सटेंशन, जिसे हम सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी कहते हैं। इसके द्वारा इन्होंने जितने भी स्टेट थे उसके पोजीशन को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, कि वो डिपेंडेंसी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे उनकी जो है वो कम होने लग जाए, और बहुत सारे जो पावर्स थे जैसे कि हैदराबाद, अवध और मराठास, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट भी किया, और उसके बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो फाइनली एस्टैब्लिश की जा चुकी थी। सो वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की, उसको हम जानते हैं कि जो यहाँ पे ये जो था ये एक एक्सटेंसिव पॉलिसी थी, किसके द्वारा जो लाई गई थी? ये लाई गई थी आपके वेलेस्ली के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है घेरे की नीति जो है आपको ध्यान में रखना है, रिंग फेंस पॉलिसी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो थे वो थे बैरन हास्टिंग, और सब्सिडरी अलायंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल थे वो थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। तो आप इसको एक एक्सटेंशन कह सकते हो रिंग फेंस सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे वेलेस्ली की जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी, इसके द्वारा इन्होंने
ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा जो इनके एनिमीज थे, जो भी फ्रंटायर्स थे, उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। अब इसमें जो है यहाँ पे इनको जो डिपेंडेंसी है उसके कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये रिंग फेंस सिस्टम को बढ़ा के सब्सिडरी अलायंस लाया, और इसके बदले में ब्रिटिशर्स इनको ये कहते थे कि इन रूलर्स को कि हम आपको डिफेंड करेंगे आपके दुश्मनों से, अगर आपके दुश्मन आपके ऊपर अटैक करते हैं तो आप अगर हमारे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू हमारे साथ ट्रीटी साइन करते हो तो कोई भी आपका जो दुश्मन है उससे हम आपकी रक्षा करेंगे और आपके हम इंटरनल मैटर्स में कोई भी दखलअंदाजी नहीं करेंगे, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे ये लोग करते नहीं है। काफी ज्यादा जो इंटरनल मैटर में है ये काफी ज्यादा इनके हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वेलेस्ली की जो ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी उसमें सबसे पहले जो इंडियन स्टेट आया था इनके ट्रैप में वो था अवध, जिन्होंने ये ट्रीटी साइन करी थी 1765 में। उसके बाद 1787 तक आते आते बहुत सारे जो हैं यहाँ पे ट्रीटी नवाब ऑफ कार्नाटिक के साथ भी इन्होंने साइन करनी शुरू कर दी थी। क्या क्या स्टेजेस होते थे, कैसे कैसे ये लोग करते थे, पहले स्टेज में ये जो है एक फ्रेंडली रिलेशन जो है इंडियन स्टेट को ऑफर करते थे कि हम आपको किसी भी वॉर से बचाएंगे। सेकेंड स्टेट में ये क्या कहते थे कि आप हमारे साथ फ्रेंडशिप रखो और उसके बाद हमारे सोल्जर्स को मतलब एक जो फ्रेंडली रिलेशन होने के कारण आप अपने पास शरण दो, अपने फील्ड में जो है वो जगह दो। थर्ड स्टेज में वो ये कहते थे कि हम आप मतलब पहले तो ये इनके सोल्जर्स सिर्फ मांगते थे, उसके बाद ये इनसे जो है वो मनी भी मांगने लग गए। उसके बाद ये क्या करते थे कि इनको कहते थे कि हम आपके आदमियों को ट्रेन करेंगे, रिक्रूट करेंगे और बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स में हम आपके डालेंगे भी, आपके ऑफिसर्स मतलब आपके आदमी हमारे यहाँ ऑफिसर्स बन के भी रहेंगे। फोर्थ स्टेज में वो क्या है कि वो क्या कहते थे कि मनी और द प्रोटेक्शन फी जो है इसके लिए वो काफी ज्यादा हाई लेवल रखते थे कि इतना आपको पे करना है हमें इतना आपको हमको देना है, लेकिन उतना वो दे नहीं पाते थे। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे पेमेंट नहीं पूरी कर पाओगे तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, तो देने के लिए क्या होता था, इनके पास टेरिटरीज होते थे। तो इस तरीके से जो है इनके टेरिटरीज इनके अधीन होती चली गई थी। तो सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले जो आया था वो था निजाम ऑफ हैदराबाद, द रूलर ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ तंजोर, नवाब ऑफ अवध, पेशवा, और ये सारे जो है इनके ट्रैप में फंस चुके थे। द होलकर्स वेर द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस इन 1818। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अब फिर आती है डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स वाली स्थिति। सो ये किसके द्वारा हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तीन चीजें आपने पढ़ ली कि जो यहाँ पे घेरे की नीति थी वो थी बैरन हास्टिंग के द्वारा, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली के द्वारा, और डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा थी, ये थी आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यहाँ पे ये कि जो है डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स होने के पहले प्रिंसली स्टेट में क्या होता था कि एक नेचुरल प्रोसेस होता था, एक रिचुअल प्रोसेस होता था कि अगर किसी के पास अपना वारिस नहीं है, खानदानी वारिस नहीं है, तो वो एक अडॉप्ट कर सकते हैं एक वारिस को कहीं से भी, और उसके बाद वो जो जिससे भी वो अडॉप्ट किए जाते थे उस फैमिली से उस पर्टिकुलर बच्चे को जो है अपने सारे रिश्ते खत्म करने पड़ते थे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है सक्सेसर को अडॉप्ट करने वाली प्रक्रिया जो है वो चल रही थी, अगर उनके कोई विडो भी हैं वो भी इस चीज को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर उनके पास अपना मतलब फैमिली बर्थ के हिसाब से कोई अगर नहीं है तो। तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर आइन लाया इन्होंने, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे अगर इनका कोई लीगल मेल हीर नहीं है, मतलब इनका कोई अगर पुरुष वारिस नहीं है, तो इसको जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लेगी। ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इन्होंने ये बस एक डॉक्यूमेंट बनाया था जो कि वो ये कहते थे कि ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सके, इसीलिए इन्होंने बस एक डॉक्यूमेंट बनाया था। लेकिन इसको कहते हैं ना कि इंट्रोड्यूस लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ऐसा कहा जाता है कि ये बस एक मिथ है। सो एज पर दिस एनी अडॉप्टेड सन जो कि इंडियन रूलर के द्वारा अडॉप्ट किया गया है वो मतलब किंगडम पे पूरे राज्य का वो उत्तराधिकारी नहीं होगा। हाँ, अब उसके जो फादर के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है या उनके जो स्टेट्स है उस पे उसका हक हो सकता है, लेकिन पूरे किंगडम पे उसका हक नहीं होगा, ये कहता था डॉक्टर आइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी। सो इनको जो है कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा इस अडॉप्टेड सन को, उनके पापा का उनके फादर का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए
जो इंडियन रूलर्स थे, इनकी जो लॉन्ग हेल्ड अथॉरिटी थी, जो इनका एक रिचुअल था, इनको जब इन्होंने चैलेंज किया तो फिर ये जो है विद्रोह पे उतर आए थे। सो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने एट्रीब्यूट किया था इसे 1848-56 में, एंड ही वॉज नॉट इट्स ओरिजिनेटर। ये ध्यान में रखिएगा, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि इनके गवर्नर जनरलशिप में ये जो है ये एक रूलर जो है, मेनी रूलर्स ऑफ स्टेट जो है वो डाइड हो गए थे, वो मर गए थे, जो मतलब राजा थे वो मर गए थे और उनका कोई वारिस नहीं रह गया था, और ये बस एक कहा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो है लॉर्ड डलहौजी ने जानबूझ के लाया था, बल्कि ये एक सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए थे कि उसी टाइम में बहुत सारे राजा बिना अपने मेल वारिस के ही डेथ कर गए थे, तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इनके अंडर में आ गए थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। तो सबसे पहले जो आया था सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर आया 1849 में, सांबलपुर 1849 में, फिर झांसी 1850 में, उदयपुर 1852 में, फिर झांसी 1853 में आई, भगत झांसी 1850 में आई थी, नागपुर भी 1854 में आ गया था इनके अंडर में। तो इसके बहुत सारे जो रीजंस थे, सांबलपुर उड़ीसा का या भगत वाला जो मध्य प्रदेश वाला जो है, ये सारे इनके अंडर में आ गए थे। इफेक्ट्स भी इसके बहुत ज्यादा हुए थे कि जो इंडियन स्टेट थे उनकी सोवेनिटी लूज हो चुकी थी और वो ब्रिटिश टेरिटरी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो उसके अधीन आते जा रहे थे। उसके बाद इंडियन प्रिंसेस में इसने एक जो है अनरेस्ट वाली स्थिति पैदा करी, जिसने 1857 के विद्रोह के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहीं ना कहीं 1857 का जो विद्रोह था उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। रानी ऑफ झांसी, आपको पता है झांसी की रानी ने जो युद्ध लड़ा था वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए लड़ा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। डलहौजी जो है रिटर्न हो गए थे 1856 में ब्रिटेन को, लेकिन इसके बाद जो है इंडियन रिवोल्ट 1857 का मतलब इमर्ज हो जाता है, ब्रोकआउट हो जाता है, जिसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की गई थी। सो ये देख सकते हो आप कि अब इनके रिलेशन कैसे थे नेबरिंग स्टेट्स के साथ। तो एंग्लो भूटानीज रिलेशन इनके काफी ज्यादा जो थे वो भी इन्होंने एनुअल सब्सिडी के तहत इसको भी अपने अधीन कर लिया था। नेपालीज रिलेशन भी इनके ऐसे ही थे कि 1801 में अंग्रेजों ने गोरखपुर वाले रीजन को, जो गोरखा बाउंड्री थी, उसको अपने अंडर ले आया था। उसके बाद ये जो वॉर है वो एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ सगौली पे 1816 में, जो कि ब्रिटिशर्स के फेवर में गया और नेपाल में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को एक्सेप्ट किया गया और नेपाल ने सिक्किम से अपने आप को विड्रू कर लिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ था क्योंकि अब हिमालय वाला रीजन भी इनके अंडर में आ गया था और उसके बाद ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशिया वाले रीजन में इनको एक रूट मिल गया था। हिल स्टेशन भी इन्होंने अपने बनाए शिमला में, मसूरू में, नैनीताल में। गोरखाज ने भी ज्वाइन कर लिया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा नंबर्स में। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो अंग्रेजों को मिल रहे थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से रिलेटेड। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डलहौजी के द्वारा और ये सारे जो है इनके अंडर में लाए गए थे, ऑफकोर्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो सतारा था, निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस, और ये सारे रीजन भी बाद में चल के एक्सेप्ट करा था इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को। अब अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात आती है तो सबसे पहले सतारा, जयपुर, सांबलपुर और बाहत ये वाले रीजन जो है क्रोनोलॉजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इनके ब्रिटिशर्स के अधीन आ गए थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह ने 1809 में किसके साथ किया था, ब्रिटिशर्स के साथ किया था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड कर्जन ने किया था, नहीं, वेलेस्ली ने किया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी ने किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कौन सा जो है पहला स्टेट था वो लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, सतारा पहला था, राइट। फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर पे एंड हुआ था और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली पंजाब वाले रीजन को अपने अधीन कर लिया था, बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
ये सारे जो थे एमसीक्यूज थे जो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए। और भी कुछ फर्दर क्वेरीज हैं आपके तो आप उसको साइट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड आई होप यू लाइक दिस लेसन। अब इस लेसन को जो शुरुआत में आपने जो वैल्यू दी थी कि काफी ज्यादा व्यूज इसको आ रहे थे, तो वो अभी नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट हो तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइकिंग द लेसन। इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।